most welcome to class 11th physics. मैं मुकुल और खुले दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ class 11th की physics में. Class 11th की physics बहुत 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 खूबसूरत है. Class 11th की physics में आप पहली बार एक strong base बनाएंगे physics में. अब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने का टाइम आ गया है और बहुत सारे नए क्वेश्चन सोचने का टाइम भी आ गया है. बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है भाई साहब जिसका मैंने अभी नाम लिया है. नाम है फिजिक्स. एक वीडियो आप देख के आए होंगे, सुपर हीरो एंट्री और एग्जिट में भी एक सुपर हीरो एग्जिट ही होगा. क्या बताऊँ मैं फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स लोग कहते हैं, अलग अलग डेफिनेशन देते हैं. कुछ कहते हैं नेचर का स्टडी है, कुछ कहते हैं एनर्जी और फोर्स के इंटरेक्शन का स्टडी है. ठीक है, लिखने के लिए ये बात अच्छी है, पर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम बहुत सारी जो चीज़ें तुमने अब कभी सोची नहीं, कभी जानी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम अपने आसपास देखते हो उन सब के जवाब आपको मिलते हैं और आपकी आंखें ऐसे ही चमकनी शुरू हो जाती हैं जैसी मेरी आंखें चमक जाती हैं. तो फिजिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ नेचर और फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं और वो पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड में आपको फिजिक्स इन डेली लाइफ का भी मैं थोड़ा सा एक प्रीव्यू दूंगा. आपको इस वीडियो को देख के ये भी पता लग जाएगा कि आप क्या क्या पोर्शन 11th का पढ़ने वाले हैं इस साल और क्या क्या पोर्शन आप 12th में पढ़ोगे और फिजिक्स का कौन कौन सा पोर्शन आप इस साल और अगले साल नहीं पढ़ने वाले, उसके लिए आपको आगे फिजिक्स लेना पड़ेगा. देखते हैं आप फिजिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हम फिजिक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और क्या क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हैं. तो ये हमारे सामने पूरी फिजिक्स का मैप है. अब इस मैप में पूरी फिजिक्स को तीन ब्रॉड कैटेगरी में बांटा जाता है. सबसे पहली है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरे पे है रिलेटिविटी और ये तीसरा पार्ट है क्वांटम फिजिक्स. तो पूरी की पूरी फिजिक्स के ये तीन ब्रॉडवे क्लासिफिकेशन हैं, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स. अब क्लासिकल फिजिक्स कहाँ से शुरू होती है? क्लासिकल फिजिक्स शुरू होती है इससे, आइजैक न्यूटन से. आइजैक न्यूटन ने अपने को लॉज ऑफ मोशन दिए थे और जिनके ऊपर क्लासिकल फिजिक्स पूरी की पूरी बेस्ड है. बॉडी कैसे मूव करती है, क्या फोर्सेस लगते हैं, इनके तीन नियम हैं, इनके तीन लॉज हैं और उसके बाद में वर्क, एनर्जी, पावर, क्या वर्क होता है, क्या एनर्जी होती है, क्या पावर होता है. और आइजैक न्यूटन को मोशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मैथमेटिक्स बनाना पड़ा था जिसे हम कहते हैं कैलकुलस. कैलकुलस के बारे में आप जानोगे, ये जो साइन है ये डिफ्रेंशिएशन है, ये वाला साइन इंटीग्रेशन है. और इसके बाद में न्यूटन ने जो एक और काम किया था वो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था कि सारी की सारी चीज़ें धरती की तरफ क्यों गिरती हैं. ये एप्पल आप अपने सामने देख सकते हैं, एप्पल गिर रहा है नीचे की तरफ और ये सब के सब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स. अब क्लासिकल फिजिक्स का जो पहला हिस्सा है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में आप वेज के बारे में पढ़ोगे, लीवर्स के बारे में पढ़ोगे, ये कैसे कैसे काम करते हैं, पुलीज कैसे काम करती हैं, कैसे इनके मोशन को एक्सप्लेन किया जाता है, लिफ्ट क्यों चलती है. और ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, वो ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड रहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड रहता है. फिर जो अगला हिस्सा है इसका वो है फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कहती है? फ्लूइड मैकेनिक्स जो फ्लो वाली मैकेनिक्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कि कैसे उसने डेंसिटी पता किया था, कि आपने 9th क्लास में स्टोरी सुनी होगी कि राजा ने उसे दिया था कि आप पता लगाओ ये जो सोने का मुकुट है क्या प्योर है या नहीं है. तो उसने एक टेक्निक निकाली थी जिसे आज के टाइम पे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं. और फिर कैसे चीज़ें फ्लो करती हैं और कैसे फिर एरोप्लेन लिफ्ट करता है और कैसे एरोडायनेमिक्स काम करते हैं, कैसे गाड़ी की स्पीड है वो कैसे एयर का फ्लो से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो फ्लूइड्स कैसे फ्लो होते हैं, ये आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में. हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. अब क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में आती हैं वेव्स. मेरी आवाज़ आप कैसे सुन पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा आएगा वेव्स में. और ये वेव्स हमारे 11th क्लास में लास्ट चैप्टर होने वाला है हमारे क्लास 11th में.
जिसमें हम पढ़ेंगे वेव्स के टाइप, कैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, और अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं। और फिर एक बीच में हम पढ़ेंगे इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हीट या एनर्जी का पूरा फिजिक्स है, कैसे एनर्जी को यूजफुल वर्क में बदला जाता है। इसे तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो दिस इज इन थर्मोडायनेमिक्स। बीच में एक चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, इसे हम केओस थ्योरी कहते हैं, ये आप नहीं पढ़ोगे 11th 12th क्लास में, इसे तुम बाद में पढ़ोगे। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं कि कैसे अगर आप इनिशियल कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें तो कैसे फाइनल रिजल्ट्स में चेंज होते हैं। ये क्लास 11th का सिलेबस हमारा रहने वाला है, जिसमें आप लॉज ऑफ मोशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ग्रेविटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब फिर इसके बाद में क्लास 12th शुरू होगा, और क्लास 12th में आप चार्ज कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये बैटरी कैसे करंट फ्लो कराती है, इसे कैपेसिटर कहते हैं, इसे इंडक्टर कहते हैं, और लाइट कैसे चलती है, लाइट भी एक वेव है। तो ये चैप्टर जो रहेगा ये इससे मिलता जुलता रहेगा। और फिर जो अगला पोर्शन आएगा क्लास 12th में वो आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो आप अभी 10th में भी पढ़ के आए होंगे कि लाइट कैसे बिहेव करती है लेंसेज के साथ, और फिर उनसे आप माइक्रोस्कोप बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कुछ नए फिनोमेना भी पढ़ोगे जिन्हें हम डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन वगैरह कहते हैं। अब क्लास 12th में एक पोर्शन आएगा इस चीज़ का, क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी आप क्लास 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि एटम्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियाई क्या होता है, और इसकी अलग अलग थ्योरी हैं। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा था, फिर उसके बाद में आए थे रदरफोर्ड जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, फिर उसके बाद में आए थे नील्स बोहर जिन्होंने अलग थ्योरी दी थी, फिर सोमरफेल्ड थ्योरी। ये सब का सब आप 11th में भी पढ़ोगे और 12th में फिजिक्स में भी पढ़ोगे। 11th की केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लेना। और फिर ये आएगा हमारा 12th के एंड में न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस जो होता है जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो कैसे न्यूक्लियस बनते हैं और कैसे उनके बीच के जो फोर्सेज हैं वो हम कैसे देखते हैं, क्या क्या पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो आता है। जो लास्ट का पोर्शन रहेगा क्लास 12th का वो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स बोली जाती है, और उसमें आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो आप आज के टाइम में मोबाइल का यूज़ कर रहे हो ना, जिस पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, वो पूरा का पूरा इस फिजिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ हो पाया है। कंप्यूटर्स, लेजर्स, पूरा का पूरा इसी से बनता है, और ये सब के सब क्वांटम फिजिक्स के पार्ट हैं। फिर अब इनसे भी बेसिक एक फिजिक्स होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी, कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इसे पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, ये कैसे बनते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इसके लिए स्टैंडर्ड मॉडल है। स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन जिसे गोल्ड पार्टिकल भी कहते हैं, तो वो स्टैंडर्ड मॉडल का एक पार्ट है। अभी फिर कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं एक से दूसरे के बीच में, तो इसे हम कहते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी के बाद में अब जो न्यूटन की फिजिक्स थी, न्यूटोनियन फिजिक्स थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे जो ऑर्बिट होती है ना मरकरी की, वो थोड़ा पंगा करती है न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से, और ग्रेविटी का भी एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ कंबाइन करके उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया था, और मास और एनर्जी एक दूसरे का ही रूप होते हैं, ये भी इस बंदे ने बताया था, और इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इन्होंने एक नया रूप बताया था। और इसके अलावा इन्होंने लाइट की स्पीड के भी बारे में कहा था कि आप कहीं से भी लाइट की स्पीड देखो सेम नज़र आने वाली है। फिर उन्होंने इसी चीज़ को ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का बेंडिंग है। आज के टाइम पर क्या कोशिश हो रही है, आज के टाइम पर इन दोनों के दोनों एरिया को मिलाने की कोशिश हो रही है। रिलेटिविटी आप 11th और 12th में नहीं पढ़ेंगे, 11th और 12th के बाद में आप BSc में भी कभी एंड वेंड में जाके पढ़ते हैं। अब आज के टाइम में इन दोनों को मिलाने की कोशिश हो रही है, इन दोनों को मिलाया जाए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, और ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जो एटम है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इन दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है आज के टाइम में। और यहाँ हमारा असली जो काम है वो शुरू होता है, द चास्म ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ अपने को नहीं पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो चुका है और क्या होगा आगे,
बहुत सारी चीज़ें अपने को पता है, और आज के टाइम में अपने को ये भी नहीं पता है कि अपने को क्या क्या नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने को नहीं आते हैं। जैसे क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम फिजिक्स का ग्रेविटी के साथ इंटरेक्शन क्या है, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरी बन रही है, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, लूप क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। फिर हमारा जो यूनिवर्स है उसमें एक मैटर होता है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, और ये माना जाता है कि डार्क मैटर 95% को बनाता है, और उसके बारे में अपने को पता नहीं है, और डार्क मैटर से ही डार्क एनर्जी आती है। अब अपने को ये पता लगा है कि इस यूनिवर्स के खाली 5% हिस्से में ये सारी की सारी फिजिक्स है, ये जितना भी पूरा का पूरा पोर्शन है 5% हिस्से को जिसे हम देख सकते हैं मैटर को, उसके बारे में। डार्क मैटर जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं वो 95% बनाता है। तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, और ये इसकी एसेंस है। आप इतनी सारी चीज़ें इसलिए पढ़ोगे ताकि कल के दिन तुम हमें इस बेहतरीन फ्यूचर में ले जा सको, जो क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं जानते हैं उनके आंसर्स तुम कर सको। इसके अलावा फिजिक्स और भी बहुत सारे फील्ड हैं, नए नए फील्ड आते जाते हैं, ग्रैनुलर फिजिक्स है, और फिर कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, ये सब के सब मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स आते हैं। तो फिजिक्स के बहुत सारे हिस्से हैं। इसके अलावा कई बार हम फिजिक्स में थोड़ा फिलोसफिकल भी हो जाते हैं। फिलोसफी का क्या रोल है कि भैया साइंस कैसे काम करती है, क्या हम सब के सब एक सिमुलेशन में, हम यहाँ आए कैसे हैं, और हमारे आने का कारण क्या है, हमारा वजूद क्या है, हम किस वजह से आ रहे हैं, और ये जो रियलिटी है जिसे हम रियलिटी मान रहे हैं इसका नेचर क्या है, और ये सब का सब हो क्यों रहा है। सो, ये भी आ जाता है पूरे का पूरा फिजिक्स में। अब फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज कहाँ हो रही है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो देख लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं
कि फिजिक्स में हम क्या क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, और फिजिक्स का यूज़ तो आपने देख ही लिया है, और इसके अलावा जो फिजिक्स हम कहते हैं कि फिजिक्स बेसिक स्टडी है नेचर का, तो नेचर के क्या बेसिक लॉज हैं उनके बारे में, और नेचर में क्या बेसिक फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।